निरहुआ का वार, सपा की ओर से पलटवार का इंतजार। निरहुआ के निशाने पर सपा के 10 विधायक आए, 10 विधायकों की कार्यशैली पर उठाए सवाल। आजमगढ़ से ताल्लुक रखने वाले 10 सपा विधायकों को निकम्मा कहकर ललकारा। सैफई से अभी अखिलेश बाहर निकले नहीं हैं। राजनीति की धरातल पर पिता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद फिर से सक्रिय भी नहीं हुए कि आजमगढ़ में उनसे हार के बाद, उनकी ओर से सीट छोड़ने के बाद फिर से चुनाव लड़ उनके भाई धर्मेंद्र यादव को मात देकर सांसद बने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने बड़ा वार किया। ये वार सीधा अखिलेश पर तो नहीं है, लेकिन उस सीधे वार से भी ज्यादा बड़ा अटैक किया है। निरहुआ के निशाने पर अखिलेश के 10 विधायक आ गए हैं। अखिलेश के 10 विधायकों के बारे में निरहुआ ने ऐसी बात कही है, अखिलेश सुनेंगे तो हैरान जरूर होंगे, सोच में पड़ जाएंगे। अखिलेश के 10 विधायक सुनेंगे तो निरहुआ को छोड़ेंगे नहीं, अपनी जुबान से शब्दों के कारवों के जरिए पूरा का पूरा अटैक करेंगे। ये तो जानते ही होंगे, आजमगढ़ की टूटी सड़कें अपने पुनर्वास के लिए रो रही हैं। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव इसको लेकर कई बार सुर्खियों में भी आ चुके हैं। एक बार निरहुआ की मां ने फोन कर आजमगढ़ की टूटी सड़कों को लेकर फटकार लगा दी थी। अपनी मां को समझाते हुए निरहुआ ने कहा था कि जल्द ही ये सड़क बन जाएगी, हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया है। अब दिनेश लाल यादव ने आजमगढ़ की सड़कों के खराब हालत के लिए पूर्व सांसद और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सपा विधायकों को निकम्मा करार दिया है। एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे दिनेश लाल यादव से जब आजमगढ़ की सड़कों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जितनी भी सड़कें हैं वो पास हो गई हैं और बरसात खत्म होते ही सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अभी हमें आए हुए 3 से 4 महीने ही हुए हैं। ये जो सड़कों की खराब हालत है इसके लिए पहले की सरकार जिम्मेदार है। आजमगढ़ में 10-10 विधायक हैं सपा के सब निकम्मे हैं। वो कहा जाता है ना कि निकम्मा आदमी कुछ नहीं करता, ठीक वैसे ही इन्होंने आजमगढ़ में कोई काम नहीं किया है। निरहुआ ने कहा कि इन्होंने तो अपने गांव की सड़क तक नहीं बनवाई। अब अखिलेश निरहुआ के इस बयान को सुनकर क्या कहेंगे? आजमगढ़ से ताल्लुक रखने वाले सपा के 10 विधायक क्या कहेंगे? निरहुआ ने तो सपा के 10 विधायकों पर वार कर दिया। क्या सपा विधायकों की ओर से पलटवार होगा? अगर होगा तो निरहुआ सपा के 10 विधायकों के वार को किस तरीके से झेलेंगे?